अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से, ठीक ठाक। पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टर्की का पार्ट वन, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टर्की का पार्ट टू। हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बेयोकादा आइलैंड। सुना है कि ये आइलैंड बहुत ज़बरदस्त है। ये बाय शिप जा रहे हैं हम लोग, तो ये है 45 मिनट्स एटलीस्ट जो है ना, 45 मिनट्स का बाय शिप जो है वो रास्ता है। तो सुना है बहुत ज़बरदस्त आइलैंड है, इस पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चलती, ओनली सिर्फ यहाँ पे घोड़ा गाड़ी चलती है, घोड़ा गाड़ी एंड हॉर्स राइडिंग एंड सिर्फ साइकिलिंग। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त सुना है, बहुत ज़बरदस्त। देखते हैं कि ये बेयोकादा आइलैंड किस तरह का है। लेकिन टर्की की एक ख़ास बात, ये पुल नज़र आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, तो ये एक ख़ास बात है टर्की की कि ये एशिया और यूरोप को मिलाता है, यानी कि टर्की एशिया और यूरोप के बीच में है। ये हम लोग बेयोकादा आइलैंड पहुंच गए हैं और हम लोगों ने घोड़ा गाड़ी की सैर स्टार्ट कर दी है। लेट्स सी कितना मज़ा आ रहा है सैर करने में। अब वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी चैनक एक गाड़ी भी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स के आइलैंड पे धुआं वगैरह की वजह से कोई गाड़ी नहीं है। तो हम लोग जो है वो घोड़ा गाड़ी की सैर के लिए, तो यहाँ पर आपको साइकिलिंग भी नज़र आएगी। मुझे साइकिल नहीं चलानी आती, तो दैट्स व्हाई मैंने घोड़ा गाड़ी की सैर ले ली। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को देख के, यहाँ पे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और इतना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लिटरली बहुत ज़बरदस्त आइलैंड है। अगर आप लोग टर्की जाए ना, तो इस आइलैंड को ज़रूर देखें जाकर। बहुत से लोग जाते हैं टर्की लेकिन आइलैंड पे नहीं जाते। आप सर्च करें कि टर्की की प्लेसेस, नो डाउट के बहुत ज़बरदस्त प्लेसेस हैं, और ये आइलैंड तो नो डाउट के देखने वाला है, बहुत ज़बरदस्त आइलैंड है। काफ़ी टाइम गुजारा था हमने इस आइलैंड पे, 3-4 घंटे जो है ना वो इस आइलैंड पे हम लोगों ने, 1 घंटा तो घोड़ा गाड़ी की सैर में ही लग जाता है आपको, कि वो पूरा आइलैंड आपको दिखाएगा। ये अच्छा जी, ये आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ कि ये है यूरोप की साइड, और आई थिंक ये लग जाता है यहाँ पे एशिया की साइड। ये पूरा एशिया है आई थिंक सो, एंड वो जो हिस्सा था वो था, ये था यूरोप का हिस्सा। ये है आइलैंड। यहाँ पे खाने पीने के जो है ना, यहाँ पे सारे ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ही हैं, लोग भी रहते हैं। यहाँ की आबादी आप समझे, यहाँ की आबादी 7,000 या 8,000 लोग जो है ना, फिर भी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा जी, ये हम लोग वापस जा रहे हैं अब। तो ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये पूरी यूरोप की साइड है। ये एक साइड की, तो मैंने अभी बताया आपको कि एक साइड पूरा यूरोप लगता है और एक साइड एशिया लगता है, और बीच में है टर्की। बहुत खूबसूरत प्लेस है, नो डाउट। जाना हो तो ज़रूर देखिएगा, आइलैंड ज़रूर देखिएगा, बेयोकादा आइलैंड देखना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, अभी तक नहीं किया। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार टर्की का बहुत ही फेमस बाज़ार है। ग्रैंड बाज़ार को स्पाइस बाज़ार भी कहा जाता है। थोड़ा सा बहुत तेज़ करके मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, कि अब बहुत लंबी वीडियो तो नहीं बना सकती थी। ये हम पहुँच गए हैं ग्रैंड बाज़ार, जो स्पाइस बाज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी, और ये बाज़ार जो है ना, वो भूत भुलैया बाज़ार है। आप एक तरफ से जाएँगे, दूसरी तरफ से पता नहीं चलेगा कि मतलब आप जा कहाँ रहे हैं। सीरियसली कि हम थोड़ा यहाँ पर जाके ना गुम हो गए थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से निकलें, कहाँ से जाएं। तो ये बहुत आप लोगों को बहुत देख के कि यार हम किस दरवाजे से जा रहे हैं, तो आप देखें हम किस दरवाजे से वापस आएंगे, उसी दरवाजे से।
तो ये कुछ टर्की की चीज़ें हैं। ये ज्वेलरी का है पूरा, ये पूरा ज्वेलरी एरिया है और बहुत ही फेमस बाज़ार है। अगर जाएं तो इस फेमस बाज़ार में ज़रूर जाएं, यहाँ पे हर किस्म का नेम ब्रांड आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी कीमत में मिलेगा। अच्छा जी, चलते हैं ये ज़रा बाज़ार थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए जल्दी 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 करके बाज़ार देखते हैं हम। अच्छा जी, हमने ग्रैंड बाज़ार थोड़ा सा घूम लिया है, ज़्यादा ही घूम लिया है। थोड़ा सा टर्की जाएँ तो अनार का जूस बहुत ज़्यादा पिए, वहाँ पर अनार का जूस बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अच्छा, ये है तस्कीम स्क्वायर, स्क्वायर पे हम ज़्यादा नहीं रुके थे। यहाँ पे एक, हाँ, ये दुकान है हकी ज़्यादा, ये बहुत फेमस जो है फेमस शॉप है। इस फेमस शॉप में आप लोगों ने देख रहे हैं कि ये कितनी जो है ना, वो यहाँ की स्वीट्स जो है ना, वो बहुत मज़ेदार होती हैं और बहुत मज़े की जो है, यहाँ के हर स्वीट्स बहुत मज़े की होती है। ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस टर्की की फेमस शॉप्स में से ये एक शॉप है, जो यहाँ के जो क्या नाम है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं मज़े मज़े के स्वीट्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं। वैसे तो टर्की के अंदर जो है, जो बकलावा जो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बकलावा भी बहुत फेमस है, लेकिन ये रोल डिलाइट्स जो है ना, वो बहुत फेमस है। पर्सनली मुझे रोल डिलाइट्स तो बहुत मज़े की लगी। ये हैं रोल डिलाइट्स, मैं जो दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये हैं पिस्तैशू की हैं, पिस्तैशू की रोल डिलाइट्स हैं ये, शायद हनी पिस्तैशू एक्स्ट्रा की रोल डिलाइट्स हैं। ये सबसे मज़ेदार हैं, सबसे फेमस और सबसे मज़ेदार, बहुत यमी और इतने मज़े मज़े के हैं। और भी इसमें और भी फ्लेवर्स हैं बहुत सारे, ये देखिए जो साइन से आए रखे हुए, ये बहुत सारे इसी के फ्लेवर्स हैं। ये बकलावा है, अगर नहीं सुना आपने, अगर नहीं देखा तो ये है बकलावा, ये भी फेमस है टर्की की। ये भी जो है रोल डिलाइट्स को उन्होंने काटा हुआ है। ये हैं केक्स, इनमें से जो सबसे मेरा फेवरेट केक था वो है चॉकलेट केक, चॉकलेट फज केक, वो ट्राई किया था मैंने। अब इतने सारे तो ट्राई नहीं कर सकती थी तो वो केक्स हैं ये। और यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है यार, हर किस्म की वैरायटी है, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त है कि आप शॉप में घुसते ही आपका दिल करता है कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब चीज़ें ले लो बस आप बाबा तो इन्जॉय करें। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको भी। ओके गाइस, देख लिया आप लोगों ने तो ये थोड़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को, ये वीडियो एंजॉय करी होगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड जितनी पिक्चर्स मैंने तकसीम स्क्वायर पे ली थी और आपको साथ शेयर करी। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो है टॉप कापी पैलेस म्यूज़ियम की, वो बहुत अमेजिंग है, वहाँ पर बहुत सारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान है। ओके, जब तक का अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा।